अस्सलाम वालेकुम। आज पीर का दिन है और आज आपको निज़ाम गेट के मंज़र दिखाते हुए आसपास का अंदर की ओर ले चलेंगे और वहाँ का भी मंज़र दिखाएंगे, जैसे कि शाहजहानी मस्जिद के आसपास का मंज़र देखे, बुलंद दरवाज़ा है, गुंबद है और आजू बाजू का और मंज़र दिखाएंगे। ये है 4 नंबर गेट ज़ियारत करके मेहमान आ रहे हैं बाहर, और जन्नती दरवाजे के आसपास का माहौल देखिए। ये आसपास में बीबी की दरगाह है, ख्वाजा गरीब नवाज के वली साहब का चिल्ला है आसपास में। ये जन्नती दरवाजे की ओर का माहौल है, देखिए, ज़ियारत करें, मन्नत मांगे, क्या माहौल है, बहुत शानदार माहौल हो रखा है। ऊपर टेंट की व्यवस्था है, आज पीर का दिन है। ये 3 नंबर गेट है जहाँ से ज़ियारत के लिए अंदर मेहमान जा रहे हैं, और सामने गुंबद दिखाई दे रहा है ख्वाजा गरीब नवाज का। बहुत ही बढ़िया मंज़र है, आज पीर के दिन देख सकते हैं। ये आसपास कवाली की साइड का है माहौल, जहाँ टेंट की व्यवस्था हो रखी है। सुबह का दिन है और पीर है आज, देख सकते हैं माहौल बहुत शानदार हो रखा है। ये कवाली हो रही है, ये कवाली की साइड का मंज़र है, बहुत ही बढ़िया मंज़र है। ये पैती गेट है, आसपास का मंज़र देख सकते हैं, तमाम भीड़ है आज पीर के दिन भी, और कवाली की महफिल छिड़ रखी है। ये सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और आगे का और मंज़र आपको बताते हैं। ये कवाली हो रही है, कवाली के आसपास का मंज़र देखिए, माहौल बहुत बढ़िया है पीर के दिन। पैती गेट है, पैती गेट से मेहमान जायरीन अंदर ज़ियारत के साथ में बाहर आ रहे हैं ज़ियारत करके, देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। मन्नत मांगे, ज़ियारत करें, आप भी ज़रूर आए अजमेर। देख सकते हैं कवाली की साइड का माहौल। ये आ गया आयतानूर गेट के आसपास का मंज़र, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मंज़र हो रखा है, और तमाम भीड़ है आज पीर के दिन भी, काफ़ी अकीदमंद बैठे हैं ज़ियारत के लिए, मेहमान जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है और तमाम भीड़ है आज भी, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया माहौल है, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है, देख सकते हैं तमाम भीड़ है, बहुत ही बढ़िया माहौल है। पीर का दिन है और जैसे छठी के दिन भीड़ रहती है, वैसे ही आज का मंजर लग रहा है। और नवाज का भी आपको माहौल पेश करेंगे शाहजहानी मस्जिद की ओर का। अभी आसपास आयतानूर का मंज़र देखिए, ज़ियारत करें। ये देखिए वज़ू खाना जहाँ है वहाँ का मंज़र है, आसपास का माहौल देखिए, काफ़ी अच्छा लुभावना है, बहुत ही बढ़िया मंज़र हो रखा है पीर के दिन। ये सामने देग है, इसी के पास में छोटी देग है जो सामने है, और ये निज़ाम गेट की ओर का मंज़र है, देख सकते हैं सामने 2 नंबर गेट है जहाँ से आया जाया जाता है बाहर से, काफ़ी जायरीन इधर से भी आते हैं। और ये आसपास का मंज़र देखिए, बुलंद दरवाजे के आसपास का बहुत ही बढ़िया शानदार मंज़र हो रखा है। ये है बुलंद दरवाजा, इसी के पास में दोस्तों निज़ाम गेट पड़ता है, और पीर के दिन भी आज माहौल भीड़ वाला देखने को मिल रहा है। आप भी ज़ियारत करें, देखें माहौल, मन्नत मांगे, माशाल्लाह आपकी कामयाबी हासिल होगी आपको। ये छोटी देग है, देख सकते हैं दोस्तों, इसमें करीबन 400-800 मन के हिसाब से खाना बनता है, प्रसाद बनता है, वो ख्वाजा गरीब नवाज के पहले चढ़ता है, उसके बाद में जायरीनों मेहमानों में बढ़ता है। चावल का विशेष रूप से भोग लगता है यहाँ, देख सकते हैं बहुत शानदार माहौल है बुलंद दरवाजे की ओर का। ये संथल की ओर का नज़ारा है, देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। फूल पेश किए जाते हैं, प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये 4 नंबर गेट है दोस्तों पीछे की ओर का, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है, देख सकते हैं आप। ये वजू खाना है, इसी के पास में कवाली होती है, और कवाली से आगे की ओर दोस्तों झालरा भी है, उसका भी आपको नज़ारा दिखाएंगे, बहुत ही करामाती झालरा है वो ख्वाजा गरीब नवाज का। ये पैती गेट है दोस्तों, ये पीछे से मंजर दिखा रहे हैं आपको, बहुत ही बढ़िया माहौल है। झालरे की ओर भी ले चलते हैं आपको, ये देख सकते हैं मेहमान बैठे हैं,
और सामने बुलंद दरवाजे का, ये ऊपर से आपको माहौल दिखा रहे हैं, ये झल रहा है ख्वाजा गरीब नवाज का। देख सकते हैं जिनके भूत प्रेत टूने टोटके होते हैं उनका इलाज किया जाता है, ये झल रहा है ख्वाजा गरीब नवाज का। नीचे देख सकते हैं ये इस झालरे के बाद में आपको शाहजहानी मस्जिद की ओर का माहौल भी बताएंगे आज पीर के दिन, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे जी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या माहौल है दोस्तों। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को आज ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको निज़ाम गेट के आसपास का मंजर दिखाते हुए पीर के दिन अंदर का माहौल दिखाएंगे, जैसे कि झालरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज़ का जो करामाती है, जन्नती दरवाज़ा हुआ, आसपास का मंजर आपको दिखाते हुए शाहजहानी मस्जिद की ओर ले चलेंगे। वहाँ का जो दोपहर का जो नवाज होता है वहाँ का भी आपको मंजर बताएंगे। देख सकते हैं निज़ाम गेट की ओर क्या शानदार माहौल हो रखा है। आज पीर का दिन है और सुबह सुबह धूप खिली हुई है। आइए ज़ियारत करें और आसपास का मंजर देखिए, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया मंजर हो रखा है। देख सकते हैं आप तमाम भीड़ है आज भी पीर के दिन, ऐसा लग रहा है जैसे छठी का दिन हो, मगर छठी आने में अभी समय है और काफ़ी अकीनमंद जियारत के लिए गए हुए हैं और काफ़ी मेहमान। देख सकते हैं ये है गुंबद ख्वाजा गरीब नवाज का, देख सकते हैं आप बहुत ही शानदार मंजर हो रखा है और तमाम भीड़ है आज भी। देख सकते हैं आप ये गुंबद है और इसी के पास में बुलंद दरवाज़ा है, नीचे जन्नती दरवाज़ा है, ये बीबी साहब की दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज के 10 नंबर गेट की ओर का माहौल है। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है। धूप लोबान की शिरकत करें, इन्हें लगाए, मातम से चूमे, जो भी आपके बला हो या कुछ हो तो रूहानी ताकतें हटती हैं। यहाँ ये 4 नंबर का गेट है जो जियारत करके मेहमान बाहर आ रहे हैं उनके लिए गेट है। इसी के पास में 3 नंबर गेट जा रहा है, बाहर से आने जाने वालों के लिए है। ये 4 नंबर का गेट है दोस्तों अंदर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार के लिए। ये जन्नती दरवाजे की ओर का मंजर है, देख सकते हैं आप तमाम भीड़ है। आज पीर का दिन है, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया मंजर है और देख सकते हैं तमाम भीड़ है। आइए जियारत करें और मन्नत का धागा बांधे, जिससे आपकी ज़रूर मन्नत पूरी होगी। ये जन्नती दरवाज़ा है जो साल में 2 या 3 बार कभी किसी उर्स के मौके पर या विशेष पर हो जब भी खुलता है। ये देख सकते हैं तमाम भीड़ है, बहुत ही बढ़िया माहौल है। ज़ियारत करें, मन्नत का धागा बांधे और आपके लिए ज़ियारत भी करें, आपके लिए मन्नत भी मांगेंगे। और जब भी आए अजमेर तो ज़रूर आए। ये 3 नंबर गेट है दोस्तों पायती गेट की साइड का, यहाँ से भी अंदर मेहमान काफ़ी जाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर। बहुत ही शानदार मंजर हो रखा है और सामने ये गुंबद है ऊपर ख्वाजा गरीब नवाज का, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मंजर हो रखा है। ये 3 नंबर गेट है, यहाँ से भी जियारत काफ़ी लोग करते हैं और सामने ये कवाली हो रही है, देख सकते हैं आप कवाली की ओर लेके चलते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं सब काफ़ी भीड़ है आज पीर का दिन, बहुत ही बढ़िया मंजर होता है। सामने कवाली हो रही है, ये पायती गेट है दोस्तों, इसी के सामने कवाली होती है और आस्थाना शरीफ के पास का मंजर है, बहुत ही बढ़िया मंजर। ये पायती गेट है दोस्तों, काफ़ी मेहमान जायरीन अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं जियारत करके, देख सकते हैं बहुत ही शानदार माहौल है, तमाम भीड़ है दोस्तों। ये काफ़ी मेहमान बैठे हुए हैं और धूप का आलम है तो ये चादरों के टेंट की व्यवस्था कर रखी है कि आराम से मेहमान जायरीन बैठे रहे और
अकीलमंद ज़ियारत के लिए जाते हुए सामने। बहुत ही शानदार माहौल है, देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया माहौल है। यह आयता नूर की ओर का मंज़र है, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार माहौल है। और यहाँ पे बच्चे तुलते भी हैं और जिनकी मन्नत पूरी होती है, और काफ़ी अच्छा मंज़र है। ये आयता नूर की ओर का माहौल है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है। ये कवाली हो रही है आयता नूर के सामने। तमाम दुनिया दोस्तों देख सकते हो, आइए जियारत करें हमेशा, मन्नत मांगे जो है आपको, आपकी कामना हासिल है और जरूर मन्नत आपकी पूरी होती है। इस दर पर जरूर आगे बढ़ने वाले विवाह का ये पहल द्वार है, जिसे आयता नूर कहते हैं। और देख सकते हो तमाम दुनिया मेरा दिल है, बहुत ही बढ़िया नजर है, देख सकते हैं। ये दोस्तों आपको आगे की ओर लेके चलते हैं, जहां आपको बुलंद दरवाज़ा और बादशाह अकबर के ज़माने की बड़ी देख छोटी देख देखने को मिलेगी। ये 3 नंबर गेट है बाहर से आने जाने का, और आसपास का मंजर देखिए, तमाम भीड़ हो रखी है। ज़रूर जियारत करें, मन्नत मांगे, मन्नत का धंका बांधे, फूल पेश करें, चद्दर पेश करें, ज़रूर आपकी माशाल्लाह मन्नत पूरी होगी। बहुत ही बढ़िया धार्मिक स्थान है, और ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर तो जब भी अजमेर आए तो ज़रूर आए। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, पीर के दिन क्या माहौल है। ये निज़ाम गेट की ओर का माहौल है, देख सकते हैं। ये सामने 2 नंबर गेट है, जहाँ से जायरीन बाहर आते जाते हैं। और इसी के सामने दोस्तों अकबरी मस्जिद पड़ती है, जो बादशाह अकबर के ज़माने की है और उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। ये देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है, बहुत ही शानदार माहौल है। और ये आसपास का माहौल देखिए, निज़ाम गेट के आसपास का मंज़र है। ये पीछे बुलंद दरवाज़ा है, और ये सामने निज़ाम गेट है, जो पहला गेट कहलाता है। यहाँ से काफ़ी अकीदमंद जियारत के लिए आते हैं मेहमान अंदर। और ये देख सकते हैं बुलंद दरवाज़ा, बहुत ही शानदार नज़ारा है। पीर का दिन है और तमाम भीड़, कभी भी आए आप चहल पहल तो हमेशा आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही बढ़िया मंज़र है, जियारत करें तमाम, माशाल्लाह आपकी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है दोस्तों। ये छोटी देख बड़ी देख का मंज़र है, देख सकते हैं। और पहाड़ों पर स्थित तारागढ़ है, वो उसी के नीचे ये दरगाह है। ये छोटी देख है दोस्तों, काफ़ी मन का प्रसाद बनता है, बढ़ता है। और सामने बड़ी देख है, तो जब भी जियारत के लिए आए तो ये मंज़र भी देखना ना भूले। बहुत ही शानदार मंज़र है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा है ये, सामने वजू खाना है, सब पुराने टाइम के बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया मंज़र है। ये देख सकते हैं क्या शानदार माहौल हो रखा है, फूल पेश किए जाते हैं, सब व्यवस्था है अंदर, आप फूल पेश कर सकते हैं, मन्नत का धागा बांधे, और बहुत ही बढ़िया मंज़र है। देख सकते हैं ये 4 नंबर गेट है बाहर की ओर का, यहाँ से भी पब्लिक आती जाती है। और काफ़ी बहुत बड़ा स्थान है ये धार्मिक स्थल, ज़रूर आए अजमेर और यहाँ का मंज़र ज़रूर देखें और लुत्फ़ उठाएं और ज़ियारत करें। ये पायती गेट की और कवाली की साइड का माहौल है, जहाँ वजू खाना भी है। और इसी के आगे करामती झालरा पड़ता है, वहाँ का भी आपका नज़ारा भी पेश करेंगे।
ये देख सकते हैं तमाम भीड़ है और आज काफ़ी ज़ियारत के लिए मेहमान आ रखे हैं और पीर का दिन है। ये पायती गेट की ओर कवाली हो रही है। आसपास का मंजर देखिए, तमाम भीड़ है। आज बहुत ही बढ़िया और लुहाना मौसम हो रखा है, बहुत ही शानदार माहौल है। ज़ियारत करें, मन्नत मांगे, माशाल्लाह आपकी कामयाबी ज़रूर हो फरमाए। देख सकते हैं ये सामने पायती गेट है। अब इसी के आगे झालरी की ओर आपको लेके चलते हैं और ऊपर से भी आपको एक बार मंजर दिखाते हैं। ये सामने दो गुंबद और आपको सामने बुलंद दरवाज़ा दिख रहा होगा, और ये झालरा है करामाती ख्वाजा गरीब नवाज के ज़माने का, जहाँ पे टोने टोटकों का इलाज किया जाता है, निवारण किया जाता है, मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। देख सकते हैं आगे शाहजहानी मस्जिद की ओर चलते हैं। ये दोपहर का समय हो रखा है दोस्तों, और काफ़ी मेहमान नवाज के लिए बैठे हुए हैं और ज़ियारत करेंगे और नवाज़ पढ़ेंगे। ये चलती है।